नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन विच इज वेरी इंटरेस्टिंग. तो हमारे पास यह होता है बोरोन का स्ट्रक्चर. इसमें हमारे पास फोर टर्मिनल हाइड्रोजन होती हैं, जैसे कि हमारे पास यह जो है वो टर्मिनल हाइड्रोजन है. नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म होता है एंड दिस कंप्लीट इज प्रेजेंट इन वन प्लेन. व्हाइल दिस टू हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज ब्रिज्ड हाइड्रोजन, दे आर प्रेजेंट वेदर अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन. ये हाइड्रोजन जो होते हैं ये स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं जिसे हम नाम देते हैं 3C2E बॉन्ड. व्हाई इट इज नेम्ड सो, क्योंकि यहाँ पर तीन एटम ज्वाइन कर रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं और सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन पेयर ही यूटिलाइज हो रहा है, BHB. तीन हमारे पास एटम और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं सिमिलरली इन दिस केस. तो इसे हम नाम क्या देते हैं, 3C2E बॉन्ड. इन टर्म्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इसे समझते हैं तो हमारे पास बोरोन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. तो इट मींस यहाँ पर हमारे पास फोर लोब्स प्रेजेंट होगी सिमिलरली ऑन दिस साइड. बट एज इट्स कॉन्फ़िगरेशन ns2 np1, तो यहाँ पर हमारे पास तीन इलेक्ट्रॉन हैं. तो इट मीन्स वन ऑफ द लोब डज नॉट कंटेन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो ये हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड फॉर्मेशन शो करेंगे. क्लियर? बिकॉज दीज लोब्स कंटेन इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल बॉन्ड फॉर्म होगा. बट यहाँ पर जो हाइड्रोजन होती है, वन हाइड्रोजन एंड वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस बोरोन, बट हियर इज नो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट. तो ये जो हमारा बॉन्ड होगा इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन हैं एंड तीन एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं. सिमिलरली इसके स्ट्रक्चर को हम सिंपली इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसके द्वारा यहाँ पर हमारे पास इस तरह की स्पेशल शेप रिप्रेजेंट की जाती है. एंड दिस ब्रिज स्ट्रक्चर इज फॉर्मिंग द बॉन्ड विच इज कॉल्ड एज बनाना बॉन्ड बिकॉज ऑफ इट्स शेप. दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन.